हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड में जो एचएसपीक्यू प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, इसमें जो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है उसमें हम पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं, व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी विधियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिखते हैं। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसे हम आज विस्तारपूर्वक समझेंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, इसमें जो परीक्षण का नाम है ये है हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण, मतलब हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। ठीक है, निर्माणकर्ता इसके आरबी कैटल हैं या मेरिडियल कैटल हैं। इसमें भारतीय अनुकूलनकर्ता कौन है, देखिए एसजी कपूर और एसएस श्रीवास्तव और जीएनपी श्रीवास्तव। इसमें परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसमें हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण के जो 14 फैक्टर्स हैं उनकी सहायता से व्यक्तित्व का मापन करना। इसमें विषयी के नेतृत्व एवं सृजनात्मक क्षमता यानी कि लीडरशिप पोटेंशियल और क्रिएटिविटी की कैपेसिटी का मापन करना है। फिर इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल को अप्लाई करने वाले होते हैं, परीक्षण को अप्लाई करने वाले होते हैं, यहाँ पर उसका नाम, उसकी आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लिखते हैं। फिर जो परीक्षण कर रहा होता है यानी जो बीएड करने वाला प्रशिक्षणार्थी है वो लिखेगा यहाँ पे अपना नाम, आयु, लिंग और शैक्षिक योग्यता, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, इसके बाद फिर आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखेंगे कि हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली, जो कि प्रश्नावली ये है आपकी, है ना, ये प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर है। इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके पूरे 42 क्वेश्चंस हैं, पूरे ये देखिए 142 क्वेश्चन है, 142 क्वेश्चन है जिनको आपको सभी क्वेश्चंस को करना है, सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर है आपका उत्तर पत्रक, ये आपका जो है ये उत्तर पत्रक है, ये देखिए इसमें आप आंसर देंगे, क्रॉस लगाएंगे पूरे खाने में। ठीक है, ये आपका उत्तर पत्रक है। इसके बाद प्रोफाइल पत्रक, ये जो है ये आपका प्रोफाइल पत्रक है, इसमें आप क्या करेंगे, ग्राफ मेंटेन करेंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद है फलांकन कुंजी, 1.2 मानक तालिका है, मैनुअल है और अन्य सामग्रियां हैं। अब देखिए, प्रारंभिक तैयारी में क्या करते हैं, सर्वप्रथम शांत वातावरण का चयन किया, प्रयोगशाला में वायु प्रकाश की व्यवस्था की गई, प्रयोज्य के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई, परीक्षण से संबंधित सभी सामग्री एकत्र करके व्यवस्थित कर यथास्थान रखा गया। अब इसमें सावधानियाँ क्या क्या देनी है, देखिए प्रयोगशाला का वातावरण शांत रखा गया तथा प्रकाशयुक्त व हवादार कक्ष की व्यवस्था की गई, सभी परीक्षण सामग्री को यथास्थान स्थान रखा गया, विषयी के परीक्षण संबंधी सभी निर्देश देकर प्रपत्र दिया गया, पुस्तिका को भली प्रकार जांच लिया गया, प्रयोज्य से उदाहरण के प्रश्नों को पहले हल करने को कहा गया, समय सीमा का विशेष ध्यान रखा गया, विषयी द्वारा पाए गए प्राप्तांकों को इष्टन प्राप्तांक में बदला गया, प्राप्तांक में परिवर्तित करते समय आयु, लिंग एवं फॉर्म तथा ए तथा बी का ध्यान रखा गया। अब देखिए, जो आप प्रैक्टिकल जो आप परीक्षण करने जा रहे हैं, परीक्षणकर्ता जो करने जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें क्या क्या निर्देश देने हैं, विषयी को परीक्षण संबंधी निर्देश दिए गए, आपके पास इस समय एक पुस्तिका है, एक उत्तर पत्रक है, यही बताना है कि आपके पास उत्तर पत्रक है, आपको इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किसी भी उत्तर को, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको मतलब नहीं देना है, आपको सारे उत्तर देने हैं, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको सब प्रश्न पढ़कर सही सही उत्तर देने हैं, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी का जो मेजरमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें बतानी हैं। इस तरह इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे आएगी प्रोसेस, अब प्रोसेस बताना है कि प्रोसेस क्या क्या है, देखो इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है, है ना। फिर अंकन करना है और ये प्रोफाइल है, ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे इन्होंने लगाया है अपना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें टेबल बनानी है, है ना, टेबल बनाएंगे, ये देखिए इसमें क्या है, डाटा कलेक्शन किया है, डाटा कलेक्शन का विश्लेषण किया है और इसमें हमने पूरे जो हमारे 14 फैक्टर्स हैं, अब आप ये देख लीजिए, ये जो आपके 14 फैक्टर्स हैं
ये जो आपका प्रोफाइल पत्रक है इसमें देखिए दिख रहा है, ये पूरे 14 फैक्टर्स हैं, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ क्यू 4 तक, ये पूरे आपके क्या हैं, पूरे आपके ये 14 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में आपको क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं और ये उत्तर पत्रक है, जब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे तो आपको एक स्टेंसिल दी जाएगी जिसके आपको इन क्वेश्चंस में पता चलेगा कि ए फैक्टर्स के कितने कॉलम सही हैं, तो उनको काउंट करके हम इस वाले कॉलम में लिखते हैं। ये रॉ का कॉलम है, रॉ यहाँ पे लिखेंगे, रॉ स्कोर्स। जब रॉ स्कोर लिख लेते हैं उसके बाद हमें ईस्टर्न स्कोर देखना होता है, तो जब हमारे रॉ स्कोर कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर तो हम ईस्टर्न स्कोर लिखेंगे। देखिए ईस्टर्न स्कोर करने के लिए क्या करते हैं, यदि आपका रॉ स्कोर जो है, जैसे मान लीजिए आपका रॉ स्कोर 3 आया है, तो हमें ईस्टर्न स्कोर निकालना है। ईस्टर्न स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ए का देखना है और रॉ स्कोर 3 आया है, तो ए को हम यहाँ तक ले जाएंगे और 3 में देखेंगे, तो 3 वाले में क्या आ रहा है, 7 से 8 आ रहा है, तो 8 ये हो जाएगा, 8 जो है ये हमारा ईस्टर्न स्कोर हो जाएगा। तो ईस्टर्न स्कोर इस तरह निकालेंगे और इसी तरह पूरा ईस्टर्न स्कोर हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ईस्टर्न स्कोर ये जब हमारा काउंट हो जाएगा पूरा, ईस्टर्न स्कोर निकालने के बाद देखिए यहाँ पे इसने मूल प्राप्तांक लिखा है, वही रॉ स्कोर जो है वो मूल प्राप्तांक है, और ये ईस्टर्न स्कोर जो हमने अभी सारणी से निकाला है। इसके बाद ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल अब हमें मैनुअल की आवश्यकता पड़ती है। मैनुअल आपका ये देखिए, ये आपका मैनुअल है, मैनुअल में सबसे पहले अब हमें परसेंटाइल देखना है, तो परसेंटाइल देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम परसेंटाइल वाला टेबल ओपन करेंगे जो इसमें मैनुअल में दिया हुआ है। ओपन करने के बाद देखिए एक मिनट, वन सेकेंड, ये देखिए ये परसेंटाइल का टेबल है। यदि आपका ईस्टर्न स्कोर 1 आया है तो आपका परसेंटाइल 1.2 है, 1.5 आया 2.3 है, 2 आया है 4 है ना, 3 आया है 10.6 है, इस तरह ये देखिए इसमें परसेंटाइल दिया हुआ है, जितना आपका ईस्टर्न स्कोर आया है ईस्टर्न स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटाइल दिया हुआ है, तो वह आपको इस वाली टेबल में, ये जो टेबल आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं इस वाली टेबल में आपको परसेंटाइल लिखना है। फिर इसके बाद अब आपको नेतृत्व क्षमता की गणना करनी है, लीडरशिप पोटेंशियल की गणना करनी है, तो लीडरशिप पोटेंशियल की गणना करने के लिए देखिए जो लीडरशिप पोटेंशियल है इसकी गणना करने के लिए ये देखिए ये है जो मैनुअल में दिया गया है कि लीडरशिप पोटेंशियल की गणना करने के लिए हमें ये फॉर्मूला जो इसमें दिया गया है इसका यूज़ करना है। 0.2B प्लस 0.2C प्लस 0.1E प्लस 0.4F प्लस 0.4G प्लस 0.4H माइनस 0.2I प्लस 0.1J माइनस 0.4O 0.4Q माइनस 0.2Q4 माइनस 2.2, इस तरह करके जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर जो बी सी ये जो फैक्टर्स हैं इनकी जगह पे हमारा ईस्टर्न स्कोर जो है स्टैंडर्ड स्कोर वही यूज़ होगा। जो भी आपका स्टैंडर्ड स्कोर आया है ये जितने फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको उनकी जगह पे आपको स्टैंडर्ड स्कोर लिखना है। तो आप जब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और देखिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले प्लस वालों को ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस वालों को ऐड करने के बाद फिर लास्ट में माइनस कर देंगे, एक साथ करेंगे, एक एक करके आप माइनस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको सारे एक साथ जोड़ने हैं उसके बाद लास्ट में माइनस करना है। इस तरह आप लीडरशिप पोटेंशियल निकाल लेंगे। उसके बाद क्रिएटिविटी निकालनी है, क्रिएटिविटी के लिए भी ये देखिए फॉर्मूला इसमें दिया गया है, ये पूरा फॉर्मूला आपको क्रिएटिविटी के लिए दिया गया है कि माइनस 0.2A प्लस 0.4B प्लस 0.2C प्लस 0.2D प्लस 0.3E माइनस 0.4F माइनस 0.4G प्लस 0.2H प्लस 4I प्लस 0.1J माइनस 0.3O प्लस 0.1Q2 प्लस 0.1Q3 प्लस 0.17, ठीक है। ये जो है ये आपका क्रिएटिविटी का दिया गया है। आप इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, ईस्टर्न स्कोर ही यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद आपको क्रिएटिविटी का पता चलेगा। आप इस क्रिएटिविटी वैसे ही जैसे मैंने बताई कि पहले प्लस वालों को आप ऐड कर लेंगे और माइनस वालों को भी ऐड करने के बाद फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपकी क्या निकल आएगी, इस तरह आपका निकल आएगा नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप पोटेंशियल और आपकी
क्रिएटिविटी है ना, ये क्रिएटिविटी निकल आई। इसके बाद हमें क्या करना है, परिणाम लिखना है। देखो इसमें इन्होंने लिखा है विषयी का सूत्र की सहायता से नेतृत्व क्षमता का स्टेन स्कोर इतना आया, तो ये और सृजनात्मकता का ये आया, तो इसमें शतांक इतना था, जिससे यह प्रतीत होता है कि विषयी की नेतृत्व क्षमता सामान्य से अधिक है तथा सृजनात्मक क्षमता सामान्य से कम है, है ना। इसके बाद अब परिणामों की हमें तो व्याख्या करनी है, तो उसके लिए हम ये टेबल मेंटेन करेंगे, ठीक है। देखिए ये टेबल हमने मेंटेन करी, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे कारक जो हैं, इन सारे कारकों को ए से लेकर क्यू फोर तक पूरा 14 जो आपके फैक्टर्स हैं, 14 फैक्टर को आपको डिफाइन करना है पूरा, कि कितना स्टेन स्कोर आया है, क्या प्राप्त हुआ है, उनका व्यक्तित्व क्या दर्शाता है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। इसके बाद आपको सुझाव देना है कि अगर कोई वर्तमान में आप जो कर रहे हैं, अगर भविष्य में कोई इस प्रयोग को करना चाहे, इस परीक्षण को करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है और उसमें क्या नई चीज़ें ऐड कर सकता है। उसके बाद आपको शैक्षिक निहितार्थ देना है कि शिक्षा में इसका आशय क्या है, शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, प्रयोग क्या है, इस चीज़ में बताना है। अब एक लास्ट चीज़ आप और देख लीजिए, देखिए ये जो है ये आपका ग्राफ पेपर, अगर आपका स्टैंडर्ड स्कोर 5 से कम आता है तो आपकी ये जितने पर्सनैलिटी फैक्टर इधर लिखे हुए हैं आपकी पर्सनैलिटी इधर लाई करेगी। अगर 5 से स्टैंडर्ड स्कोर कम आता है या 5 भी आता है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरफ लेफ्ट साइड आपकी लाई करेगी, लेकिन अगर आपका 6 या 6 से अधिक आता है तो आपकी पर्सनैलिटी राइट साइड लाई करेगी, जिसमें कि जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे रिवर्स्ड रिजर्व्ड पर्सनैलिटी, लेस इंटेलिजेंट्स, अफेक्टेड बाई फीलिंग्स, है ना, फ्लैगमेटिक, ये सारे जो हैं ये आएंगे अगर 5 से कम या 5 आता है तो, और 5 से ज़्यादा या 6 भी आता है तो क्या आएगा, आउटगोइंग या फिर मोर इंटेलिजेंट, इमोशनली स्टेबल, ये सारे जो हैं इस तरह आप देखेंगे कि ये चीज़ें आएंगी। और फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे इस प्रैक्टिकल को करना है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। सब लोग सही से फाइल बनाएंगे और सारी चीज़ें क्रिएटिविटी और लीडरशिप पोटेंशियल सारी चीज़ें सही से कैलकुलेट करेंगे। ओके थैंक यू क्लास, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।